भैया मेरे मम्मी से बात कर लो, मेरे पापा से बात कर लो, मान नहीं रहे हैं वो सप्लीमेंट दिलाने के लिए, कहते हैं ये डिब्बे नहीं खाने, प्रोटीन बेकार होता है, गेनर बेकार होता है। तो दोस्तों ये वीडियो दिखाओ अपने मम्मी पापा को आप। यहाँ पर अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो बताना चाहता हूँ मैं कि आपका डाउट बिल्कुल जायज है कि भाई कहीं ये डिब्बे से कहीं आपके बच्चे को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पर मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप अपने बच्चे को ओरिजिनल सप्लीमेंट्स दिलाते हैं और सप्लीमेंट्स विला से दिलाते हैं तो आपके बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि ओरिजिनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका कभी कोई नुकसान नहीं होता, और सबसे ज्यादा पेरेंट्स विजिट करते हैं सप्लीमेंट्स विला, इस चीज को भी दिमाग में रखो आप। यहां पर भैया जी आए हुए हैं अपने लिए लेने नहीं आए हैं, अपने 17 साल के बेटे के लिए प्रोटीन लेने के लिए आए हैं। तो यहां पर सबसे पहले भैया का बहुत बहुत स्वागत है जी, और लेते हैं इंट्रोडक्शन। और मैं जानना भी चाहूंगा कि भैया के मन में भी ये डाउट थे नहीं थे, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते। भैया नाम आपका? मनीष शर्मा नाम है भाई। जी कहां से हैं जी? तिगांव से। तिगांव से भैया किसके लिए सप्लीमेंट लेने आए हैं? अपने लड़के के लिए। जी क्या नाम है उनका? लक्ष्य वर्मा जी। कितनी उम्र है? 17 साल का। 17 साल की उनकी उम्र है। और भैया प्रोटीन मतलब जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ जी जी। और बॉडी गोल क्या है उनका, मतलब मसल बिल्डिंग करना? हाँ जी। मसल साइज गेन करना चाहते हैं? हाँ जी। जो कितनी हाइट होगी? 5'8" के आसपास। 5'8" उनकी हाइट है। अच्छा भैया आपके मन में भी ये डाउट थे कि यार कहीं डिब्बे नुकसान ना करते हो? बिल्कुल होते हैं। होते हैं तो भैया फिर मतलब आप सप्लीमेंट्स वाला से आप पहले भी जुड़ चुके हैं? हाँ जी पहले भी लेके। तो भैया आप डाउट्स क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है डाउट्स। अच्छा भैया अब अगर आपसे कोई ये कहे कि यार प्रोटीन से साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो अब क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ओरिजिनल सप्लीमेंट्स अगर आप लेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। यार प्रोटीन है क्या? प्रोटीन ये दूध से बना हुआ है, वे प्रोटीन है नॉर्मल, समझ रहे हैं आप? दूध से बना हुआ, जिस भी प्रोटीन के आगे वे प्रोटीन लग गया वो दूध से बना हुआ है, जिस प्रोटीन के आगे सोया प्रोटीन लग गया वो सोयाबीन से बना हुआ है। तो ये वे प्रोटीन है यार, आपकी सेहत बनाएंगे, मसल्स बिल्डिंग करेंगे, और ये ओरिजिनल वाले वे प्रोटीन है जो कि मिलेंगे सप्लीमेंट्स विला पर, जिनका कभी कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा बेनिफिट होंगे। और आपका बच्चा अगर जिम जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, रोकिए मत, क्योंकि जिम से अच्छी और जिम से बढ़िया मतलब स्वास्थ्य वर्धक लत कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को जिम जाने से रोकेंगे, इधर उधर गलत संगत में पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया है उसको जिम की आदत डाल दो, जिम की लत लगा दो उसको, और उसके बाद फिर उससे ये लत नहीं छूटने वाली। तो भैया ने भी सेम काम किया। कितने दिन हो गए उसको जिम जाते हुए? उसको एक साल हो गया। एक साल हो गया मतलब 16 साल की उम्र से आपने बोल दिया? हाँ, और उसने मुझे खुद जिम जाने के लिए भेजा, मेरा 10 किलो वजन कम किया मैंने। देखो यार 10 किलो भैया ने वजन कम किया है, खुद बेटे ने अपने पापा को मोटिवेट किया जिम जाने के लिए, समझ रहे हैं? अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ कि तो ये डेली पूछता है जिम गए नहीं गए आज? अच्छा पूछता है जी। अच्छा भैया मुझे एक चीज बताओ कि मतलब ये जिम की जो लत है जो मैं कह रहा हूँ ये अच्छी लत है या गलत लत है? नहीं अच्छी, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो भेजना चाहिए ना सब? बिल्कुल भेजना चाहिए, हमारे जितने भी धर्मगुरु वो भी बोलते हैं ये। तो जिम हर किसी को भेजना चाहिए, और नजदीकी, क्योंकि जिम की सुविधा अब हर शहर में है यार, हर आपके गली मोहल्ले में भी है। तो भेजो अपने बच्चे को जिम, और प्रोटीन अगर वो कह रहा है लेने के लिए तो जरूर दिलाओ, पर सिर्फ सप्लीमेंट्स विला से दिलाओ, क्योंकि पूरे इंडिया का विश्वास है सप्लीमेंट्स विला। अब इनके बेटे को जो है मसल साइज गेन करना है। पहले भैया कौन सा प्रोटीन लेके गए थे आप सप्लीमेंट्स विला से? वे के लेके गए थे सुप्रीम। वे सुप्रीम लेके गए जी? भैया जो है वे सुप्रीम लेके गए थे पहले सप्लीमेंट्स विला से, और बेटे को भी खिलाया था आपने? हाँ जी जी। बेटे को भी इन्होंने जो है खिलाया था, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कुछ नहीं। आपको कोई दिक्कत? आपकी कॉल भी आई थी जब भी कोई परेशानी हुई थी? सुन लो यहाँ पर, तो कॉल वगैरह सारी चीज आई थी यहाँ पे, डाइट प्लान भी आया था, डाइट प्लान भी आया था, कॉल आई थी, ये सुन लो सारी बातें। आप भैया स्पेसिफिक चाहते हैं कि भैया मेरे बेटे के लिए कोई आप मसल बिल्डिंग के लिए दो कोई प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन है जो आपको भी लेना है, और आपका बेटा बेटी अगर कोई जिम जाता है मसल साइज गेन करना चाहता है, स्ट्रेंथ गेन करना चाहता है, तो कौन सा प्रोटीन है वो? तो दोस्तों वो है स्टार एक्स न्यूट्रिशन पावर प्रो प्रोटीन, नंबर 1 साइज गेनिंग प्रोटीन है ये। नंबर 1 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन का इश्यू नहीं है। आरसी प्रो एंटीएम भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट के मामले तो मैं कहूंगा सुपर डुपर है, पर उसमें डाइजेशन का इशू बहुत है। 10 में से कम 6 बंदों को डाइजेशन इशू हो जाता है उसे मतलब जो है पेट में गुड़गुड़ वॉमिट फील हो जाती है, पेट भरा भरा रहता है, तो ये है उसके अंदर, पर इसके अंदर वो नहीं है, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा हुआ है। अगर आरसी का डाइजेशन अच्छा होता तो वो ही नंबर 1 होता, इस बात को मैं क्लियरली काफी बार बोल चुका हूं। पर आरसी का डाइजेशन का इशू देखते हुए पावर प्रो प्रोटीन नंबर 1 पे है। रिजल्ट में नो डाउट उससे 19-20 हो सकता है, पर डाइजेशन इतना अच्छा है कि आप ये कहोगे वाह मजा आ गया, और रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा रिजल्ट बिल्कुल ही कम है, नहीं, 19-20 का फर्क होगा, आप इसके रिजल्ट से भी सेटिस्फाई होंगे। मैंने भैया को ही बोला कि जब ये 1.5 महीना आपका बेटा खाएगा इसको तो उसको विजिबल मसल साइज गेनिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, विजिबल,
अब भाई पर विजिबल का मतलब ये समझ लेना कि एक डिब्बे में 16 इंच का डोला हो जाएगा, ये नहीं। विजिबल का मतलब आधे से एक इंच मसल साइज आपको दिखेगा। तो पावर प्रो प्रोटीन 30 ग्राम प्रोटीन, क्रेडीन, BCAA ग्लूटामिन, EAA डाइजेस्टिव एंजाइम समय इसके अंदर एक स्कूप लेना है। जिम करने के बाद पानी में घोलकर साथ में एक आध बनाना भी लेना है ताकि और अच्छी आपकी गेनिंग हो सके। और ये प्रोडक्ट भैया को मिला है ओरिजिनल। भैया पहले भी ओरिजिनल मिला था? हाँ जी, पहले भी जीएसटी बिल वगैरह सबके साथ, सब कुछ के साथ जी। और आज भी ओरिजिनल मिला है जीएसटी बिल के साथ। तो यहाँ पर ये जो है जीएसटी बिल और ये टी शर्ट और शेकर, एक टी शर्ट भैया के लिए, एक बेटे के लिए और शेकर बेटे के लिए यहाँ पर गिफ्ट है। अब यहाँ देखे तो नो डाउट भैया ने यहाँ पे यार 400-500 का टैक्स भी पे किया है भाई, नो डाउट 18% टैक्स है। पूछना चाहूंगा भैया, जहाँ सेहत का सवाल है, क्या पैसा देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए भैया। एज ए फादर, एज ए पेरेंट, एज ए सीनियर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। और स्पेशली आप फरीदाबाद से आए ना? हाँ जी। आप दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली NCR में स्टीरॉइड्स का इतना ट्रेंड है, ये आप भी देख रहे होंगे जिमों में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। और नए नए बच्चे जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में जो स्टीरॉइड ले रहे हैं, सारी चीज ले रहे हैं, आप एज ए पेरेंट उनको क्या सलाह देंगे? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए दोस्तों, ये चीज समझो आप। अब आप खुद समझो, आपने तो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में या बहकावे में आके किसी के कहने से स्टीरॉइड ले लिया, पर अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हुए भैया, जब बच्चे को कोई नुकसान हो जाता है तो अस्पतालों में धक्के कौन खाता है? पेरेंट्स खाते हैं। ये सुन लो, माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। और फिर वो माँ बाप पता क्या कहेंगे कि डिब्बे मत लेना, ये तो खराब होते हैं, ये तो बेकार होते हैं। भाई आप गलती करते हैं, आप नकली सप्लीमेंट के चक्कर में पड़ते हैं, सस्ते के में पड़ते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं और फिर विश्वास टूटता है आपके माँ बाप का। और फिर वो माँ बाप चार लोगों से और कहते हैं कि अपने बच्चे को कभी भी सप्लीमेंट मत दिलाना, भाई नाम खराब हो रहा है ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का। ऐसा मत करो यार, स्टीरॉइड्स मत लो यार। आपकी उम्र 18, 19, 20, 21 साल है, क्या घाटा है? अगर 25 के होंगे तब बॉडी बन जाएगी, क्या घाटा हो जाएगा भाई? दो अपनी बॉडी को 3-4 साल और असली सप्लीमेंट लो, ऑरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स मिला से लो, कभी कोई नुकसान नहीं होगा आपको यार, और बॉडी भी बनेगी और सब तारीफ भी करेंगे। पर जल्दी के चक्कर में मत रहो यार। और देख लो दिल्ली NCR वालों का सबसे बुरा हाल है, इतना ट्रेंड चला हुआ है, बस क्या ही बताएं। तो इसलिए बचो इन स्टीरॉइड से, नकली सप्लीमेंट से, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लो, सप्लीमेंट्स विला से। और ये जो 1200 रुपए वाला किलो प्रोटीन ले रहे हो ना, ये 1000 रुपए में प्रोटीन ले रहे हो ऑनलाइन शॉनलाइन, ये आपकी जान ले लेंगे। और स्पेशली चूरन चटनी मत लेना, ग्वालियर में एक भाई ने अपनी जान से हाथ गवाया है चूरन चटनी के चक्कर में, वीडियो डाली थी। तो इसलिए भैया बचो और जुड़ो सप्लीमेंट्स विला से, ऑर्डर करो। कोई भी आपको सप्लीमेंट चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका जो भैया अपनाते हैं, भैया पहले भी आपने ऑनलाइन मंगाया था, पहले भी ऑफलाइन आए थे आप? पहले भी ऑनलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन मंगाया था पहले, फोन करके आपको? हाँ, फोन करके पहले ऑनलाइन मंगाया था भैया ने, और अब ऑफलाइन लेने आए हैं पलवल आउटलेट, फरीदाबाद के नजदीक है पलवल आउटलेट। तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन मंगा लो, अगर आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी है तो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर कॉल करो और कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ, कैश ऑन डिलीवरी भी मिलेगी। भैया आपने प्रीपेड किया था कैश ऑन डिलीवरी? हाँ, कैश ऑन डिलीवरी की थी। तो भैया ने कैश ऑन डिलीवरी की थी तो भैया के पास आ गया था भैया प्रोडक्ट? हाँ जी। वो दिक्कत परेशानी नहीं, नहीं, नहीं। तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी है। पर भाई एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँगा। देखो मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस नहीं रखे हुए, इसका प्राइस है 5200 रुपये, ये 5200 रुपये में आपके घर तक आएगा। पर भाई बहुत सारे भाई जो है ना मजाक करते हैं यार, वो कन्फर्म नहीं होते कि मुझे प्रोडक्ट लेना ही नहीं लेना, वो क्या करते हैं ऑर्डर लगा देते हैं और उसके बाद में जब प्रोडक्ट उनके घर पे पहुंचता है तो मना कर देते हैं कि मैंने तो कंफर्म नहीं किया था, मुझे तो कंफर्म नहीं है, मैं तो अभी लेना नहीं चाहता। उसमें क्या होता है भाई, मेरे कोरियर चार्जेस लग जाते हैं, मेरा लॉस होता है। तो प्लीज़ सप्लीमेंट्स वाला आपके फ़ायदे के लिए, आपके लिए, पर आप एज ए फैमिली मेम्बर, सप्लीमेंट्स वाला परिवार हो आप, तो भाई जब कन्फर्म हो, चाहे आपको आज लेना है महीने बाद लेना है, जब कन्फर्म हो तभी आप जो है ऑर्डर कीजिए, प्लीज़ हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। इसलिए जो है आप ऑर्डर कीजिए, ऑनलाइन घर तक पहुंच जाएगा, फुल कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराओ या supplementsvilla.com विजिट करो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब मिलेगा, या फिर सप्लीमेंट्स वाला के आउटलेट विजिट करो। जैसे भैया आ गए पलवल आउटलेट तो पलवल हरियाणा हो, सप्लीमेंट्स वाला आप गुरुग्राम जाओ, सप्लीमेंट्स वाला आप मथुरा जाओ, सप्लीमेंट्स वाला आगरा जाओ, सप्लीमेंट्स वाला ग्वालियर जाओ, सप्लीमेंट्स वाला कानपुर जाओ, सप्लीमेंट्स वाला लखनऊ जाओ, सप्लीमेंट्स वाला अलीगढ़ जाओ, सप्लीमेंट्स वाला गाजियाबाद जाओ, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालका जी, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली रोहिणी, सप्लीमेंट्स वाला सहारनपुर, सप्लीमेंट्स वाला मेरठ, सप्लीमेंट्स वाला जयपुर, सप्लीमेंट्स वाला लुधियाना, हर जगह आउटलेट ओपन हो रहे हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन ऑर्डर करो, पर ऑर्डर करो ओरिजिनल सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स वाला से। अगली बार भैया से मुलाकात होगी और रिव्यू लेंगे कि इनके बेटे को क्या रिजल्ट आए, क्या नहीं। भैया देंगे ना रिव्यू? बिल्कुल जी। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो सप्लीमेंट्स वाला से और वीडियो दिखा दो अपने पेरेंट्स को कि माँ बाप सबसे ज्यादा आते हैं अपने बच्चों के लिए सप्लीमेंट्स लेने, सप्लीमेंट्स विला पर। नमस्कार।